फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स जो टॉपिक है इस वीडियो का वो ये है कि मोटिवेशनल चैनल कौन सी कैटेगरी में रखा जाए। फ्रेंड्स ओके, अगर आप एक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहती हो तो उसकी कौन सी कैटेगरी होगी। फ्रेंड्स ये टॉपिक है मेरा इस वीडियो का। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक नॉलेजफुल वीडियो देखने को मिलते रहे फ्रेंड्स ओके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आप एक मोटिवेशनल चैनल बनाना चाहते हो फ्रेंड्स ओके, तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छी कैटेगरी चूज़ की है, इसमें आप मोटिवेशनल चैनल बना के लोगों को गाइड कर सकते हो, लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हो फ्रेंड्स, उन्हें सही पथ पर ला सकते हो फ्रेंड्स ओके। तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी कैटेगरी चूज़ की है फ्रेंड्स ओके। तो बात अब ये आती है कि ये मोटिवेशनल चैनल की कैटेगरी यूट्यूब पे कौन सी होगी फ्रेंड्स ओके। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि एजुकेशनल कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप लोगों को कुछ बताते हो, कुछ सिखाते हो, इंस्पायर करते हो ओके। तो इसी कैटेगरी में आपका मोटिवेशनल का चैनल आएगा फ्रेंड्स ओके। तो आपकी जो कैटेगरी होगी वीडियो की वो होगी एजुकेशनल कैटेगरी होगी फ्रेंड्स ओके। क्योंकि एजुकेशनल कैटेगरी में आप क्या कर सकते हो, आप किसी जॉब की वैकेंसी के लिए सपोज उसके बारे में भी बता सकते हो फ्रेंड्स ओके, या किसी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कब आ रहा है फ्रेंड्स ओके, एडमिशन कब होंगे तो उसके बारे में भी बता सकते हो, या आप अपनी टीचिंग कर सकते हो फ्रेंड्स ओके, आप लोगों को पढ़ा भी सकते हो ऑनलाइन ओके। तो ये भी आप इसी कैटेगरी में रख सकते हो। और अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो फ्रेंड्स ओके, तो उसकी कैटेगरी जो होगी वो एजुकेशनल ही कैटेगरी होगी, क्योंकि इसमें आप लोगों को इंस्पायर करोगे तो इसकी कैटेगरी आपको एजुकेशनल कैटेगरी रखनी है फ्रेंड्स ओके। अगर आप एक नए यूट्यूबर हो तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ इसी वीडियो में फ्रेंड्स ओके। आप अगर मोटिवेशनल कैटेगरी का चैनल बना रहे हो फ्रेंड्स ओके, तो उसकी कैटेगरी एजुकेशन रहेगी ओके। और आपको करना क्या है, आपको कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहने फ्रेंड्स ओके। होता क्या है कि स्टार्टिंग में व्यू सब्सक्राइबर नहीं आते हैं फ्रेंड्स ओके, तो इससे आपको डिस्पेयर नहीं होना है, आपको बस कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहने हैं। आप अगर 200 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर देते हो तो आपके 5-10 वीडियो डेफिनेटली वायरल हो जाएंगे और उन्हीं वीडियो से आपके व्यू सब्सक्राइबर वॉच टाइम आ जाएगा और आपका चैनल ग्रो हो जाएगा और आपकी अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड्स ओके। तो ये स्ट्रगल करना होता है कि जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता फ्रेंड्स तब तक व्यू सब्सक्राइबर नहीं आते हैं फ्रेंड्स ओके। तो ये स्ट्रगल करना होता है, मुझे भी करना होता है, आपको भी करना होता है और जितने भी यूट्यूबर हैं सभी को करना पड़ता है फ्रेंड्स ओके। तो आपको डिस्पेयर नहीं होना है, बस आपको अच्छे से अच्छे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहने हैं फ्रेंड्स, क्वालिटी के साथ वीडियो अपलोड करते रहने हैं और एक रेगुलरिटी बनाकर रखनी है फ्रेंड्स वीडियो अपलोड करने की फ्रेंड्स ओके। शेड्यूल के साथ आपको काम करना है फ्रेंड्स ओके। तो उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे और आपका चैनल डेफिनेटली ग्रो होगा फ्रेंड्स ओके। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो देखना है या आपका कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, मैं उसका वहीं पे आंसर कर दूंगा, अदरवाइज उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स ओके। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं पे करना होता है, ना ही कहीं पर आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना होता है फ्रेंड्स, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करने में फ्रेंड्स ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड लुक टेक केयर फ्रेंड्स। अगर मोटिवेशनल चैनल बना रहे हो फ्रेंड्स तो गुड लुक टेक केयर फ्रेंड्स। जय हिंद।